पुलिस हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहती है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी मिसाल पेश की है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की एक लेडी कांस्टेबल ने। दरअसल हुआ ये कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक युवती जो कि रेप पीड़िता थी और गर्भवती थी, वो पुलिस थाने पहुंची थी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए, और इसी दौरान उस युवती को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। लेकिन थाने में मौजूद एक लेडी कांस्टेबल ने पीड़िता की सुरक्षित डिलीवरी कराई, जिसके बाद पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया, और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने माता और जो बच्ची थी उनको दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, और बताया जा रहा है कि दोनों जच्चा और बच्चा फिलहाल सकुशल हैं। दरअसल ये पूरा प्रकरण छिंदवाड़ा के लावा घोगरी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि जो पीड़िता है वो 20 वर्ष की है। जब वो थाने पहुंची तो उसने बताया कि वो 7 माह की गर्भवती है। साथ ही उसने बताया कि जो आरोपी है वो फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस ने उसने कहा कि अगर आरोपी उससे शादी कर लेता है तो वो उसकी खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराएगी, जिसके बाद वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने उस युवती से ही आरोपी का नंबर लिया, उससे फ़ोन पर बात की, और आरोपी ने बताया कि वो इस वक्त नागपुर में है और पुलिस के कहने पर वो छिंदवाड़ा के लिए निकल रहा है। लेकिन इसी दौरान जो युवती थी जो कि 7 महीने की गर्भवती थी, उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, और पुलिस स्टेशन में मौजूद लेडी कांस्टेबल शीतल वाघमारे, जो कि पहले पुलिस में भर्ती होने से पहले नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी थी, उन्होंने वहाँ पर उस 20 वर्षीय गर्भवती युवती की डिलीवरी में मदद की, जिसके बाद एक बच्ची का जन्म उस युवती द्वारा दिया गया। वो प्रेग्नेंट थी, वो थाने आई और उसका कहना ये था कि उसकी शादी नहीं हुई है और जो सो गर्भ है वो राजेंद्र करके एक लड़के का है जो उसी के गांव दगड़िया माल का है। और मैंने बोला फिर आप क्या चाहते हैं? बोला सर मैं इतना चाहती हूँ कि यदि वो मुझसे शादी करना चाह रहा है करें, तो मैं कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ। यदि मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं रिपोर्ट करना चाह रही हूँ। इसमें तत्काल मेरे द्वारा उन्हीं के द्वारा मुझे राजेंद्र का नंबर प्रदान किया गया। फिर राजेंद्र से मेरी बात हुई तो वो उसने बताया कि मैं नागपुर में हूँ। मेरे द्वारा कहा कि तुम आपके विरुद्ध ऐसी शिकायत आई है, आप तत्काल आओ। तो बोला सर मैं नागपुर से बस में बैठ के आ रहा हूँ। तो इन्हीं के सामने मेरी बात हुई तो इनका कहना है कि सर उसका आ जाने दीजिए, फिर जैसा वो कहेगा तो उस प्रकार से हम आगे कार्रवाई करेंगे। मैंने इनको बताया था कि उसमें आने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं नागपुर से आने में, और समय भी लग सकता है। तो इन्हें बोला हम इंतज़ार करेंगे। इस पीरियड में किसी अन्य घटना की तस्दीक के लिए मैं बाहर चला गया था, तब मुझे पता चला कि इसकी थाना क्षेत्र में ही डिलीवरी हुई। डिलीवरी के दौरान जो इनके साथ 10-15 लोग आए थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की। थाना में पदस्थ महिला आरक्षक ने जो नर्सिंग का कोर्स करी है उसके द्वारा डिलीवरी में इसकी सहायता की गई, और वर्तमान में जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दोनों को छिंदवाड़ा अस्पताल भेजा गया है हैंड डायल की मदद से। वही पुलिस कांस्टेबल शीतल वाघमारे का कहना है कि उन्होंने पुलिस में भर्ती होने से पहले नर्सिंग की पढ़ाई की थी, और आज उसी की वजह से जिस तरह से युवती को प्रसव पीड़ा हुई, और वो उस नर्सिंग की पढ़ाई का ही उन्होंने फ़ायदा उठाया। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप एमपी तक की फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पेज पर जाकर तमाम अपडेट्स ले सकते हैं। साथ ही अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एमपी तक की इंस्टाग्राम आईडी है mptak_official, इस पर जाइए और इसको फॉलो कीजिए, और तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।